भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय महतारी ब्यूटी सोप। हिमाचल प्रदेश कोटखाई बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सेशन जज राजीव भारद्वाज की कोर्ट में दोषी नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में सीबीआई ने जांच कर चालान में 94 नीलू दोषी करार दिया है। नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जिस पर दोषी को सजा तय होनी थी, लेकिन बंदिशों के चलते लगातार सुनवाई टलती रही, लेकिन आज नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और कुछ बोलना चाहोगे? किसने फंसाया आपको? सीबीआई वाले ने फंसाया, सीबीआई ने फंसाया, सीबीआई ने फंसाया। लेकिन आपके सैंपल्स तो मैच हुए हैं, वो गलत है। गलत है, गलत है। चलो चलो, अरे छोटो, हाईकोर्ट में अपील करेंगे? जी करेंगे। और फोटो बनने दो। हाईकोर्ट में जाएंगे क्या? करेंगे जी। आपको फंसाया किसने? सीबीआई ने। सीबीआई ने क्या शिकायत करेंगे हाईकोर्ट में? अपील करेंगे कि गलत फंसाया गया। क्या बोलेंगे? गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया? कौन है इसमें, वैसे कौन दोषी होंगे इसमें? पता नहीं कौन है यार, मेरे को। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। Oh, 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 oh